गुड मॉर्निंग एवरीवन, कंटिन्यूइंग विद अवर लास्ट लेक्चर। फर्स्ट जो हमारा मेथड है दैट इज जब ब्रांचेस रिसीव कर रही हैं गुड्स हेड ऑफिस से एट कॉस्ट प्राइस और सिर्फ कैश सेल्स कर रही हैं। तो ये जो ब्रांचेस होती हैं वो गुड्स सेल करती हैं सिर्फ कैश पर और जो भी अमाउंट ऑफ सेल्स है उसे हेड ऑफिस को वो सेंड कर देती हैं। ये ब्रांचेस अपने अकाउंट्स खुद मेंटेन नहीं करती है, जो भी प्रॉफिट और लॉस हुआ है ब्रांचेस से वो हेड ऑफिस असर्टेन करेगा। तो क्या क्या एंट्रीज बुक्स ऑफ हेड ऑफिस में जो हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो हेड ऑफिस के में हैं वो मेंटेन किए जाते हैं, वो कौन कौन से हैं? पहला है ओपनिंग स्टॉक जो भी होगा, ओपनिंग बैलेंस पैटी कैश का जो भी है, ओपनिंग बैलेंस किसी और अदर एसेट का जो ब्रांच के साथ है, तो उसके लिए जो हमारे पास एंट्री होगी दैट इज ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक अकाउंट टू ओपनिंग पैटी कैश अकाउंट टू ओपनिंग बैलेंस ऑफ अदर एसेट अकाउंट। तो जो भी ओपनिंग बैलेंसेस है ब्रांच के उसकी एंट्री हो गई। दूसरा, जो गुड सप्लाई कर रहा है हेड ऑफिस ब्रांच को, तो ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड सप्लाई टू ब्रांच अकाउंट। देन गुड्स जो रिटर्न कर रहा है ब्रांच हेड ऑफिस को, गुड सप्लाई टू ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। देन अमाउंट जो सेंड कर रहा है हेड ऑफिस ब्रांच को एक्सपेंसेस के लिए, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। फॉर द अमाउंट सेंड टू ब्रांच फॉर पेटी एक्सपेंसेस, उसके लिए ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। देन फॉर द रिसिप्ट ऑफ कैश फ्रॉम ब्रांच, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। देन जो भी आपका अनसोल्ड स्टॉक है, पेटी कैश है या कोई भी अदर एसेट है, उसकी एंट्री, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट, क्लोजिंग पेटी कैश अकाउंट डेबिट, क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ अदर एसेट्स अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। देन प्रॉफिट अगर हुआ तो ब्रांच अकाउंट डेबिट टू जर्नल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और अगर लॉस हुआ तो जर्नल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। देन जो क्लोजिंग बैलेंस है, जो भी गुड सप्लाई की गई थी ब्रांच को, उसके लिए गुड सप्लाई टू ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। अब मैं एक चीज देखिए, आपको पहले प्रोसीजर समझने की जरूरत है। प्रोसीजर क्या चीज फॉलो हो रही है? हेड ऑफिस है, ब्रांच है, हेड ऑफिस ने ब्रांच को गुड्स भेजी, मतलब क्या क्या ट्रांजेक्शंस हो रही हैं उसी के अकॉर्डिंग एंट्रीज होंगी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में और जर्नल एंट्रीज होंगी। वो क्या क्या है? सबसे पहले ब्रांच में हेड ऑफिस ने गुड्स को भेजा, ब्रांच में ही हेड ऑफिस जो है उसने जो भी पेटी एक्सपेंसेस होने हैं ब्रांच के उसके लिए पैसा भेजा, जो भी कैश या एक्सपेंसेस जो भी भेजा उसने कैश भेजा पेटी एक्सपेंसेस करने के लिए, एक्सपेंसेस वो डायरेक्ट भी पे कर सकता है जो हेड ऑफिस है। देन जो भी कैश गुड्स सप्लाई उसने ब्रांच को किए थे, अब उसमें क्या चीजें हैं? एक तो गुड्स जो उसने ब्रांच को सप्लाई किए कितने उसमें से सोल्ड हो गए और कितना उसमें से क्लोजिंग बचा है, दो चीजें हो गई। देन जब आप और कितना सेल्स ब्रांच ने करके उस अमाउंट को, जो भी जितना उसको सेल्स किया उसने, उस कैश को उसने वापस हेड ऑफिस तक भेजा, और कितना बैलेंस कितने एसेट से जो ब्रांच है उसने शुरू की थी चीजें, और एंड में पूरे ईयर की ये चीजें करने के बाद, ट्रांजेक्शन्स करने के बाद ईयर के एंड में कितना उसके पास बैलेंस है, सिर्फ इसी चीज को हम यहाँ पर लिख रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले ब्रांच अकाउंट, जैसे हमने नॉमिनल अकाउंट बोला था होता है, तो डेबिट साइड में हमने ओपनिंग बैलेंसेस, जो भी आपके पास है स्टॉक, पेटी कैश या कोई अदर एसेट, देन टू गुड सप्लाई टू ब्रांच अकाउंट। अब यहाँ पे एक चीज देखने की जरूरत है कि जब हम यहाँ ब्रांच अकाउंट बना रहे हैं तो टर्म यही यूज हो रही है, दैट इज गुड सप्लाई टू ब्रांच अकाउंट आप यहाँ डेबिट साइड में भी देख रहे हैं एंड गुड सप्लाई टू ब्रांच अकाउंट आप क्रेडिट साइड में भी देख रहे हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? ये जो डेबिट साइड में आप गुड सप्लाई टू ब्रांच अकाउंट देख रहे हैं, ये वो यहाँ पर वो अमाउंट आएगा जो ब्रांच ने गुड्स रिसीव की हैं हेड ऑफिस से, और यहाँ पे क्रेडिट साइड में जो आप बाय गुड्स सप्लाई टू ब्रांच अकाउंट देख रहे हैं, यहाँ पे जो ब्रांच ने रिटर्न की है गुड्स हेड ऑफिस को, वो वाली अमाउंट आएगी। देन डेबिट साइड पे इसके अलावा कैश या बैंक अकाउंट, जैसे भी आपने एक्सपेंसेस के लिए पे किया है, जो भी हेड ऑफिस ने पे किया है, देन कैश और बैंक अकाउंट पेटी एक्सपेंसेस के लिए।
देन हम क्रेडिट साइड पे देखें तो बाय गुड्स अप्लाई टू ब्रांच अकाउंट हम कर चुके हैं कि जो भी रिटर्न किया है ब्रांच ने हेड ऑफिस को, देन जो भी सेल्स हुई है कैश सेल्स है इस मेथड में सर, तो जो भी कैश या बैंक अकाउंट के थ्रू जो भी कैश रिसीव ब्रांच से किया है हेड ऑफिस ने वो यहाँ पर आएगा। देन क्लोजिंग बैलेंसेस आपके पेटी कैश स्टॉक या कोई भी अदर एसेट का, जब आप इन दोनों साइड्स को बैलेंस करेंगे क्या तो आपका प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट आया तो आपने डेबिट साइड पर लिख दिया टू जर्नल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और अगर आपका लॉस हुआ तो क्रेडिट साइड पर आपने लिख दिया बाय जर्नल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसका इक्वेशन हम देख लेते हैं। गोदरेज लिमिटेड हैज अ ब्रांच एट दिल्ली, ब्रांच रिमिट्स डेली कैश रिसिप्ट्स टू द हेड ऑफिस एंड ऑल द एक्सपेंसेस ऑफ द ब्रांचेस आर पेड बाय द हेड ऑफिस डायरेक्टली। इस क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करने से पहले यहाँ पे एक चीज मैं जो आपको बताना चाहूंगी दैट इज कि कौन सा मेथड फॉलो आपको करना है, ये चीज आपको यहीं से क्वेश्चन से आइडेंटिफाई करनी होगी। जैसे यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि ब्रांच रिमिट्स डेली कैश रिसिप्ट्स टू द हेड ऑफिस एंड ऑल द एक्सपेंसेस ऑफ द ब्रांचेस आर पेड बाय द हेड ऑफिस डायरेक्टली। तो यहाँ पे जो फर्स्ट मेथड जो हमने अभी किया कि कॉस्ट प्राइस पे आपको गुड्स सेंड हो रही हैं और आप सिर्फ और सिर्फ कैश सेल्स आप कर रहे हैं, वो यहाँ से जो करेक्टरिस्टिक्स हैं इस ब्रांच के जो यहाँ पे मेंशन है उसे क्लियरली आइडेंटिफाई हो जाता है। पास जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स एज ऑन 31st March 2007। तो इस क्वेश्चन में जो हम करेंगे दैट इज हम ब्रांच अकाउंट्स देखेंगे खाली कैसे बनते हैं, जर्नल एंट्रीज आप अपने आप फॉलो करेंगे। देन स्टॉक क्या क्या चीजें गिवन है, स्टॉक एट ब्रांच ऑन 1st April 2006 कितना गिवन है 25,000, goods supplied to branch during the year 2,40,000, goods returned by branch 14,000, cash sent to branch for rent, salaries, advertisements 4,500, 12,000, 3,500। अब cash sent to branch for ये सारे expenses है तो आप इन सबका total कर सकते हैं और total करके हम एक ही entry में इसे लिख सकते हैं। Then cash sent to branch for petty expenses, cash received from the branch during the year, cash sent by branch on 28th March 2007 still in transit। इसका मतलब क्या हुआ, still in transit का मतलब कि भेजा हुआ है लेकिन अभी पहुंचा नहीं है। ये cash के केस में भी हो सकता है और ये stock के केस में भी हो सकता है, तो इसका treatment हम कैसे करेंगे ये जब हम question करेंगे आपको clear हो जाएगा। Then stock at branch on 31st March 2007, balance of petty cash on 31st March 2007, outstanding rent on 31st March 2007, outstanding salaries on 31st March 2007। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या है stock at branch on 1st April 2006, मतलब ये क्या है आपका ओपनिंग बैलेंस है स्टॉक का, तो यहाँ पे हमने लिखा डेबिट साइड में टू ओपनिंग स्टॉक अकाउंट 25,000। देन नेक्स्ट जो चीज हमें गिवन है दैट इज गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच ड्यूरिंग द इयर्स, मतलब वो गुड्स जो आपका ब्रांच है उसने रिसीव की है हेड ऑफिस से, तो ये कहाँ आएगा डेबिट साइड पे आएगा ब्रांच अकाउंट में, तो टू गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच अकाउंट 2,40,000। देन हमें क्या गिवन है कैश रिटर्न बाय ब्रांच, जो आइटम का नेम है मतलब जो अकाउंट की हेडिंग है वो हमारी यही आएगी गुड सप्लाई टू ब्रांच अकाउंट, लेकिन अमाउंट ये 14,000 है, मतलब गुड्स रिटर्न जो ब्रांच ने की है, तो इसे हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे ब्रांच अकाउंट में। देखिए यहाँ पे हमने लिखा है बाय गुड सप्लाई टू ब्रांच अकाउंट, लेकिन ब्रैकेट में हमने नीचे लिख दिया गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच 14,000। देन नेक्स्ट जो हमारा है दैट इज कैश सेंड टू ब्रांच फॉर रेंट सैलरीज एडवर्टाइजमेंट, तीनों को हमने टोटल कर दिया तो यहाँ ये आएगा हमारा डेबिट साइड में, तो टू कैश अकाउंट एक्सपेंसेस हमारे टोटल कितने हुए 20,000 के, ये 4,500 प्लस 12,000 प्लस 3,500 ये आपका 20,000 हो गया। देन कैश सेंड टू ब्रांच फॉर पेटी एक्सपेंसेस, पेटी एक्सपेंसेस के लिए सेंड किया है तो आपका डेबिट साइड आएगा टू कैश अकाउंट पेटी एक्सपेंसेस के लिए 1,800। देन नेक्स्ट जो हमारा आइटम गिवन है दैट इज कैश रिसीव्ड फ्रॉम द ब्रांच ड्यूरिंग द
ईयर, ब्रांच से जो कैश रिसीव हुआ हेड ऑफिस को, तो ये क्रेडिट साइड पे जाएगा आपका, तो बाय कैश अकाउंट 2,51,000। देन हमारा आइटम जो है दैट इज कैश सेंट बाय ब्रांच ऑन 28 मार्च 2007 स्टिल इन ट्रांजिट, मतलब ब्रांच ने भेज दिया है लेकिन हेड ऑफिस तक अभी नहीं पहुंचा है, लेकिन इसको स्टिल हमें अकाउंट्स में तो शो करना ही पड़ेगा। तो आप भेज चुके हो तो इसका जो एंट्री होगी वो होगी क्रेडिट साइड पर बाय कैश इन ट्रांजिट अकाउंट 12,000। देन नेक्स्ट जो हमारा आइटम गिवन है दैट इज स्टॉक एट ब्रांच ऑन 31 मार्च, बैलेंस ऑफ पेटी कैश ऑन 31 मार्च, मतलब ये हमारे क्लोजिंग बैलेंसेस है, तो क्लोजिंग बैलेंसेस हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट बाय पेटी कैश अकाउंट। देन नेक्स्ट जो हमारी आइटम्स गिवन है दैट इज आउटस्टैंडिंग रेंट ऑन 31 मार्च 2007 एंड आउटस्टैंडिंग सैलरीज ऑन 31 मार्च 2007। एक्सपेंसेस तो हमारे ये इसी ईयर के हैं, तो जैसे वही नॉमिनल अकाउंट्स का जो हम रूल फॉलो करते हैं कि जिस ईयर में हमारा आपका खर्चा है, जिस ईयर का है उसी ईयर में हम लिखा जाएगा, जो हम अकाउंट्स के रूल्स फॉलो करते हैं वही चीज यहाँ पे होगी। तो आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट टू आउटस्टैंडिंग सैलरीज अकाउंट, देन दोनों साइड्स को जब आप बैलेंस करेंगे तो आपका टू जर्नल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका प्रॉफिट आ जाएगा। अब एंट्रीज चाहे तो आप सीधा बना सकते हैं डायरेक्ट, या फिर जब आपने ब्रांच अकाउंट बना लिया है तो यहाँ से भी डायरेक्ट आपकी एंट्रीज निकल जाती हैं। जैसे आपका ब्रांच अकाउंट डेबिट है तो ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक अकाउंट, तो ये ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक एट ब्रांच अकाउंट। तो सेम तरीके से अगर क्रेडिट साइड की एंट्रीज आपने करनी है तो क्रेडिट साइड की एंट्रीज हो जाएंगी। देन आपका यहाँ पे एक चीज जो आपको ध्यान देना है जब आप क्वेश्चन को करते हैं दैट इज कि यहाँ पे कई बार क्वेश्चंस में डिफरेंट ब्रांचेस जो दी होती हैं, एक या एक से ज्यादा हो सकता है ब्रांचेस आपको मेंशन हो कि एक ब्रांच ने दूसरी ब्रांच को गुड्स भेज दी है, ऐसे भी केसेस हमारे पास आगे क्वेश्चंस में आएंगे। तो आपको जो चीज ध्यान देनी है दैट इज किस प्लेस की ब्रांच है, क्या नाम है ब्रांच का। जैसे यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि दिल्ली की ब्रांच है, तो हम यहाँ पे जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स हम बना रहे हैं तो हमने क्लियरली उसे लिखा है दिल्ली ब्रांच अकाउंट। नेक्स्ट जो हमारा मेथड है दैट इज ब्रांचेस रिसीव कर रही हैं गुड्स हेड ऑफिस से एट क्रॉस प्राइस और बोथ कैश और क्रेडिट सेल्स कर रही है, इसे हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।